हेलो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, 8-9 बार आपके एग्जाम में आ चुका है बच्चों, और ये प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। एग्जाम में आता ही आता है क्वेश्चन। देखिए बच्चों, मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रखा है, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है, बिहार के पिछड़ेपन का क्या कारण है? बिहार आखिर क्यों पिछड़ा हुआ राज्य है, इसका कारण बताओ। बस सिंपल सा सीधा सा प्रश्न है। जिस राज्य में हम लोग रहते हैं, बिहार में, वह बिहार राज्य पिछड़ा हुआ क्यों है दोस्तों? क्वेश्चन तो ये है, क्यों भारत का 28वां स्थान है? बच्चों बात करें, हमारा बिहार हर चीज में 28वां स्थान पर है, सबसे नीचे है। 28 राज्यों में सबसे नीचे क्यों है? तो उसी को आज इस वीडियो में एक मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारा प्यारा बिहार जिस देश पर, जिस राज्य पे हमें गर्व है, जो राज्य हमारी माँ के समान है, आखिर क्यों वो राज्य पिछड़ा हुआ है दोस्तों? क्या क्या रीजन रहे हैं बिहार पिछड़ा हुआ क्यों है, तो इसको हम लोग आज देखेंगे दोस्तों। बस आपको करना क्या है, बस वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। मैं वादा करता हूँ 100% परीक्षा में आप अपनी भाषा में लिख पाएंगे, 100% गारंटी है। चलिए तो आज डिस्कस करते हैं। वैसे तो इसके अनंत कारण है, बहुत सारे कारण है। बिहार हमारा पिछड़ा हुआ एक राज्य है, बहुत सारे कारण है, बट मैं मुख्य कारण बताऊंगा आपको, जो कि एग्जाम में आपको लिखना है बच्चों। सबसे पहला कारण जो है बच्चों, वो बढ़ती हुई जनसंख्या दोस्तों, ध्यान दीजिए, यहां पर जनसंख्या दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ रही है। यानी जनसंख्या तो यहां पर लग रहा है कि जनसंख्या का बाढ़ आ चुका है, एक नदियां बह चुकी है दोस्तों। आपको जान के ऐसा लगेगा, जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी जनगणना 10 करोड़ थी, क्योंकि 10 करोड़ बिहार में जनसंख्या है, एक छोटा सा राज्य बिहार, कोई बड़ा नहीं है, और उसी में 10 करोड़ लोग हैं। सोचिए 10 करोड़ जनसंख्या, 21 में नया जनगणना आएगा तो उसमें देखेंगे कितना आता है। तो जनसंख्या का अगर रेट देखे दोस्तों, तो ग्राफ ऐसे जा रहा है, इस तरह से ऊपर ग्राफ ऐसे बिल्कुल जा रहा है, जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और हमारे पास जानते दोस्तों, जब जनसंख्या बढ़ती है तो बेरोजगारी बढ़ती है तो पैसा कमी होती है, लोग भूख से मर जाते हैं, अकाली आ जाती है, गरीबी आ जाती है। तो सरकार को चाहिए कि जनसंख्या के ग्राफ को ऐसे ना होकर के इसको ऐसे करे, मतलब थोड़ा नीचे करे, कम करे। ये नहीं लोगों को मार दे, ऐसा करने का मतलब नहीं है, नीचा मतलब मारना नहीं, नीचे करने का मतलब वो जनसंख्या एक नियम बनाए, एक नीति बनाए। घर में अच्छे दो ही बच्चे, हमारी मिस और उसके हमारे दो बच्चे, तुम्हें समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या नियम है, हम दो हमारे गिन लो, हमारे क्रिकेट टीम, हमारे 11-11, हमारे 50-50, मतलब अनलिमिटेड यहाँ पर चलते रहते हैं कार्यक्रम, जो कि गलत बात है। हम दो हमारे गिन लो नहीं, हम दो हमारे दो, हम दो मतलब कौन, हम हमारी घरवाली पत्नी और उसके दो बच्चे, नन्हे मुन्ने, एक बेटी एक बेटा, या दो बेटा या दो बेटी, जो भी हो, दो से बेसी किसी कीमत पर नहीं टपना है आगे, दो बेटी दो बेटा हो, हाँ शांत रहो, समझे। तो हम दो हमारे दो की नीति सरकार को चाहिए, और सरकार इसमें ठोस कदम लाए, ये नहीं कि सिर्फ हवाई बात बोल दे, नहीं। जो सरकार ने दहेज प्रथा पर कानून बनाया कि बिहार में जो दहेज लगा, पंडित बराती दुल्हा दुल्हन सभी जाएंगे जेल, बराती भी जाएंगे जेल, सभी लोग जेल जाएंगे। उसी प्रकार एक ठोस कदम, ये नहीं कि कानूनी हवाई बात नहीं, एक नियम कानून एक प्रॉपर वे में मोदी सरकार को चाहिए कि इंडिया में लागू करे। भाई जनसंख्या हम लोग लगातार बढ़ा रहे हैं, लगातार बच्चे पैदा कर रहे हैं, लगातार, अरे जगह तो देखो, सीधी सी बात है, जगह क्या है, जगह आपको सीमित है। आप ये घर है मान लो, घर में अभी इतने सारे लोग हैं, और जनसंख्या बढ़ते जाए तो लोगों को रहने में दिक्कत होगी। आप घर में रहते हैं, आपके घर में मान लो 5 आदमी हैं, सामान्य रूप से घरों में 5 व्यक्ति 4 व्यक्ति होते हैं कम से कम, ठीक। और वहीं पर 50 आदमी होता है, क्या होगा,
आप नए नए वृक्षों काटेंगे, नए जो काटेंगे ना वनों को सफाई करेंगे, और ये लोग जहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, ये भी पहले कहीं ना कहीं यहाँ पर फॉरेस्ट हुआ कर जंगल हुआ करते थे, बट जनसंख्या हम लोग आए धरती पर, मैं आया तो हमारे यहाँ पर गाछों को भी क्या किया गया, जनसंख्या बढ़ा, आप भी आपके भी बाल बच्चे होंगे तो हो सकता है कि आपके भी घर के अगल बगल में पूरा सब कुछ क्या है साफ हो जाए। ये होता है जनसंख्या बढ़ता है तो जंगल का सत्यानाश। दूसरी बात, बेरोजगारी बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है तो तमाम प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। तो मेरा पर्सनल मानना है दोस्तों, बिहार की विकास में एक सबसे बड़ी रुकावट है, वो है जनसंख्या, पॉपुलेशन। इट मस्ट बी रिड्यूस्ड, इसे अवश्य कम होना चाहिए, इनको इसको इंक्रीज ना होकर, इंक्रीज मतलब बढ़ाना ना होकर इसको डिक्रीज करना है, डिक्रीज का मतलब घटाना, इसको हमें घटाने हैं। जैसे भी हो सरकार को एक ठोस कदम इस पर जरूर उठाना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों मैं यह भी बता रहा हूं कि इसको दूर भी कैसे कर सकते, एग्जाम में कई बार आता है ये प्रश्न आएगा कि बिहार के पीछे पड़ने का क्या कारण है, कारण आएगा फिर बोलेगा इसको दूर कैसे करेंगे, दूर ऐसे करेंगे जो कारण है उसी को हम दूर करेंगे। कारण है जनसंख्या बढ़ रहा है उसको कम कीजिए, सीधी बात, बढ़ रहा है उसको क्या कीजिए, कम कीजिए, जो प्रॉब्लम है उसी को हम लोग दूर करेंगे दोस्तों। तो पहला, जनसंख्या लगातार बढ़ रहा है उसको एक सोचना चाहिए, एक अच्छा सरकार कुछ करना करे ना करे बस एक शिक्षित मनुष्य को भी सोचना चाहिए। दो ही बच्चे आप पैदा कीजिए बट दोनों को ही बढ़िया से शिक्षा दिखा दीजिए, हर फैसिलिटी दीजिए, ये नहीं कि क्रिकेट टीम तैयार कर दिए और किसी को कपड़ा नहीं है, किसी को किताब नहीं, किसी को कॉपी नहीं, किसी को औजार बक्स इंस्ट्रूमेंट बक्स कुछ नहीं, ऐसा नहीं। आप दो ही बच्चे रखिए घर में, अच्छे दो ही बच्चे, लेकिन उसको इतना फैसिलिटी दीजिए कि आपको मतलब कभी उन बच्चों को फील ना हो कि मेरे पापा निकम्मे हैं, मेरे पापा मुझे कुछ रिसोर्स नहीं दे रहे हैं। एक अच्छा, ये नहीं कि आप पैदा तो बच्चे सबको कर दिए लेकिन आप रिसोर्स, किसी को कोई कपड़ा के लिए तरस रहा है, कोई मंजन के लिए तरस रहा है, कोई खाने के लिए, कोई रोटी के लिए, कोई दूध के लिए, तो ऐसा काम नहीं करना है आपको। शिक्षित समाज के लिए, शिक्षित लोग इसलिए कहते हैं जो पढ़े लिखे इंसान होते हैं वो समझते हैं, घर में अच्छे दो ही बच्चे, मूर्ख आदमी दनादन दे दनादन, ठीक है। चलिए तो बच्चे आई होप आपको समझ में आ गया होगा पहला रीजन। अब हम लोग बच्चों दूसरी कारण क्या है, बिहार पिछड़ा हुआ क्यों है, इसको भी हम लोग जानेंगे। बच्चों ये दो पार्ट में बनेगा, दो पार्ट में, पार्ट वन है क्योंकि ये लंबा टॉपिक है, इसे मैं बताऊंगा कम से कम आधा घंटा लगेगा समय इसमें, ठीक है। तो 20-20 मिनट करके मैं वीडियो बनाऊंगा, 40 मिनट का ये वीडियो होगा, आप इसको देखिएगा, तब आप परीक्षा में अपने मन से लिख पाओगे, कोई रटने की जरूरत नहीं, कोई झमेला नहीं, आपको बस लेक्चर सुनना है, आपको बस एग्जाम एक बार सुन लेना, बस इसको परीक्षा में अपने मन से लिख देना बिंदास। चलिए ध्यान दो बच्चों, अब रीजन नंबर दो क्या है सर, रीजन नंबर दो है कृषि पर ज्यादा निर्भरता, कृषि यानी एग्रीकल्चर, कृषि पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता। तो ध्यान दीजिए यहां पर ना, अगर हम बात करें दोस्तों, एक आंकड़ा के अनुसार बिहार में 100% में से दोस्तों 80% लोग खेतीबाड़ी करते हैं। दुखी सोचिए जरा, 100 में से 80% लोग एग्रीकल्चर करते हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है दोस्तों। सब जो खेतीबाड़ी ही करेगा, अनहीं उपजाएगा, दूसरा काम कौन करेगा, बिजनेस कौन करेंगे? चाहिए कि सो हटो, एग्रीकल्चर से दूर भी भगाओ, इसका मतलब ये नहीं कह रहे कि कोई खेतीबाड़ी मत करो, इसका मतलब ये नहीं है, बट जरूरत से ज्यादा आपको खेतीबाड़ी नहीं करने हैं। अब सबका सब जो खेतीबाड़ी ही करेगा तो बिजनेस कौन करेगा भाई, सरकारी नौकरी कौन करेगा, प्राइवेट नौकरी कौन करेगा, समझ रहे मेरी बात? तो डोंट डिपेंड अपॉन टू मच एग्रीकल्चर, ज्यादा आपको निर्भर नहीं होना है। सोचिए जरा, 100 में से 80% कम हुआ, 80% आपको कम बुझाता है, जरा विचार कीजिएगा आप लोग खुद, 100 में से 80% बहुत होता है, खेतीबाड़ी इतना जरूरी नहीं है। और बिहार तो मानते हैं बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, बिहार कृषि पर निर्भर रहता है, यहाँ के मैक्सिमम लोग चौर, गहूँ, गन्ना,
तंबाकू या अलग अलग विभिन्न प्रकार के दाल, विभिन्न प्रकार के फसलों को, रबी फसल, खड़ी फसल, कपासी, मतलब बहुत तरह के फसल, ठीक है, फाइब्रस फ्रूट, ठीक है, रेशेदार फसल, जायद फसल, सभी को उपजाते हैं। तो ऐसा करना जरूरी नहीं। सेकेंड बच्चों ये हो गया। थर्ड देखिए, थर्ड की बात करें बच्चों, थर्ड पॉइंट क्या है, कुशल प्रशासन का अभाव। कुशल प्रशासन का, प्रशासन का अभाव। अब देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, अब ये क्या है कुशल प्रशासन का अभाव, अब मैं बताता हूं, ध्यान दीजिए बच्चों, समझिए। तो कुशल प्रशासन जो है, कुशल प्रशासन का मतलब होता है कि एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव जो दक्ष हो, दक्ष मतलब स्किल्ड हो, जिसको सरकार चलाने का एक प्रॉपर अनुभव हो, सरकार कैसे चलाएं, ये अभाव है दोस्तों। कोई भी सरकार हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाइए, पहले की सरकार ना तो ठीक थी, ना अब की सरकार ठीक है। मैं बता ही देता हूँ, ना आरजेडी ठीक था, ना जेडीयू ठीक है। कोई भी प्रशासन अच्छे ढंग से काम नहीं कर रही है जो काम करना चाहिए। सरकार को, बिहार को चलाने के लिए कोई भी ठोस कदम सरकारें उतना अच्छे ढंग से नहीं उठा रही है। और यही रीजन है कि अभी भी हम लोग 28 नंबर पे हैं। भाई इंक्रीज करना चाहिए, मतलब उसको घटना चाहिए। वो जो 28, सोचिए सबसे पिछला राज्य बिहार, आज भी गिनती होती है। हालांकि 21 की जनगणना में जो हमें 11 के सेंसस के अनुसार कह रहा हूँ, 11 के जनगणना के अनुसार कह रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे कुशल प्रशासन, यहाँ पे सरकार जो है वो अच्छे ढंग से प्रॉपर वे में जैसा काम करना चाहिए उस अकॉर्डिंग, उस अनुसार काम नहीं कर पा रही है बच्चों। यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है, यह भी एक हमारी बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे सरकार को चाहिए एक नीति, एक पॉलिसी बनाए, शिक्षा के लिए काम करे। आज भी देखिए सरकारी स्कूल का क्या हाल है, कभी टीचर बोलते हैं बच्चों को बोलते हैं, और बच्चे बोलते हैं टीचर को, टीचर बोलते हैं कॉलेज में, बोलते हैं कि कॉलेज में मास्टर बोलता है कि बच्चा नहीं आता है, और मास्टर बोलता है बच्चा नहीं आता है, और बच्चा बोलता है मास्टर नहीं आता है, कॉलेज जाते ही नहीं कोई। हालांकि अभी कोविड का सिचुएशन मैं जानता हूं 2021 में, बट इससे पहले क्या था, अभी तो 1.5 साल से बंद ही है। अब देखिए कॉलेज कोई जाता है नहीं, अटेंड करता, सभी ट्यूशन पर निर्भर है। ट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती दोस्तों, ट्यूशन जरूरत इसलिए पड़ती है, स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। स्कूल में अगर पढ़ाई हो तो क्यों जाएंगे लोग ट्यूशन। प्रॉब्लम यह है कि स्कूल में मास्टर जो होते हैं बच्चा फेंकते हैं कि बच्चा नहीं आता है, और मास्टर जो होते हैं वो बच्चे पर, तो ऐसा नहीं चलेगा। एक ठोस नियत, जैसे यूपी में है, यूपी में क्या है बायोमेट्रिक, कि आप जो मास्टर टाइम पे नहीं आएगा अंगूठा से अटेंडेंस बनता है। यहां का मास्टर 10 बजे आए तो गप करना शुरू, मैडम के साथ पेपर पढ़ना शुरू, तो अलग अलग बातें करना शुरू कर, नहीं आपको चाहिए कि एक टीचर के नाते एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चा का भविष्य आप पे टिका हुआ है, उसको फॉलो करे, उसको काम करे। तो सरकार, क्या सरकार यहाँ पर फल नहीं है, क्या आपको नहीं लगता है, ईमानदारी से बताइए, क्या हमारा बिहार शिक्षा में सरकारी स्कूल में इतना होना चाहिए। देखिए दिल्ली का स्कूल, मनीष सिसोदिया वहां के मुख्यमंत्री है, कितना स्कूल चमका दिया है। हमारे स्कूल में स्विमिंग पूल है, दिल्ली में देखिए स्विमिंग पूल है, क्या यहाँ बच्चों को नहीं है स्विमिंग पूल। यहाँ कंप्यूटर रूम है, नहीं है वहां पर, दिल्ली में एक एक स्कूल में कंप्यूटर रूम है, कंप्यूटर बच्चे सीखते हैं। यहाँ प्राइवेट स्कूल मैक्सिमम बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा क्यों। सरकार की फेलियर, सरकार कमी है, इस बात को सरकार को मानना पड़ेगा, कुशल प्रशासन का अभाव है, कमी है। सरकार शिक्षा में नहीं, हर चीज में चौपट है। सिर्फ राशन बांट देने से 2 किलो 4 किलो गेहूं बांट देने से नहीं हो जाता है कि हम सरकार चला रहे हैं, कुछ नहीं, ये सब ढकोसलाबाजी है। सरकार को मन ही नहीं है बच्चों को पढ़ाने का, ठीक है। चल थर्ड नंबर ये समझ आया, जनसंख्या बढ़ती हुई, कृषि पर अधिक से ज्यादा बहुत ज्यादा लोग निर्भर है, ये नहीं होना चाहिए। कुशल प्रशासन का अभाव, सरकार काम नहीं कर रही है, एक नीति नहीं बना रही है जो एक प्रॉपर वे में उचित मात्रा में होनी चाहिए। सरकार नियम कानून बनाए नहीं बना पा रही है, तो यह भी एक बहुत बड़ा बच्चों क्या है समस्या। अब चौथा समस्या बच्चों ये बाढ़ और सुखाड़ ध्यान दीजिए बच्चों। तो बाढ़ और सुखाड़ बिहार में, यह भी एक बहुत बड़ा समस्या है। बिहार, अपना बिहार, प्यारा बिहार, पिछड़ा राज्य है, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है बाढ़। बच्चों ध्यान दीजिए कि बिहार में जो बाढ़ है सबसे बड़ा फैक्टर है। आप उठा के देखिए आंकड़ा कि बाढ़ जो है हर साल लगभग आता है, हर साल लगभग बाढ़ आते हैं,
एवरी ईयर प्रत्येक साल आप देखते होंगे कि पिछले साल ही बाढ़ आया था, कभी बाढ़ आया तो कभी सुखाड़ आया, तो ऐसा होता है कि नहीं होता है बताओ? तो प्रत्येक साल बाढ़ आती है और यह सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है। हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, एक बताए 100 में से 80% खेती बाड़ी करते हैं, और उस 80% में भी, उस 80% में भी हर साल फसल बर्बाद हो जाती है, तो खेती बाड़ी जुआ हो गया है। आपका किस्मत अच्छा है तो बस चलेगा, नहीं किस्मत अच्छा है गया, तो खेती बाड़ी भी यहाँ प्रॉपर वे में नहीं हो पा रही है। कई बार बाढ़ हो जाते हैं तो कई बार सुखाड़ हो जाता है, तो यह एक बहुत बड़ी, यह बहुत बड़ी एक समस्या है। ठीक है, क्लियर बच्चे? तो बच्चों बाढ़ और सुखाड़, मैं बात कर रहा था, बाढ़ और सुखाड़ ये बहुत बड़ी समस्या है। आप जानते होंगे अब 2021 चल रहा है, इससे पहले देखिए 20 में क्या हुआ था, रिकॉर्ड देख लीजिए, इससे पहले 19 में देखिए, हर साल ये तय है, या तो बाढ़ या तो सुखाड़। जिस दिन से झारखंड अलग हुआ है ना, झारखंड में अच्छा अच्छा चीज, कोयला देखिए, पूरा का पूरा कोयला पहुंच गया कहां पर, झारखंड में पूरा का पूरा कोयला पहुंच गया झारखंड। ठीक है, बिहार, बच्चों एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, बिहार कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को बिहार और झारखंड अलग अलग हो गए, और बिहार में क्या छूट गया? यही दो, बाढ़, सुखाड़, बेरोजगारी, सब कुछ छूट गया, और बच किया गया, सब कुछ बीमारी बच गया, यहाँ पर लोग कमजोर होने लगे, और सब अच्छा अच्छा चीज देखिए, कोयला देखिए, पेट्रोल देखिए, तमाम चीजें, संसाधन क्या नहीं है। अभी झारखंड की बात करें, झारखंड में बहुत बढ़िया बढ़िया चीज है, एक से एक वहां का खनिज सब कुछ वहां मौजूद है, सब चीज, मतलब जो जो अच्छा अच्छा चीज था, पेट्रोल, डीजल, कोयला, संसाधन, जमीन, सब कुछ पहुंच गया झारखंड, और यहां बच गया बाढ़ और सुखाड़, बेरोजगारी, सभी समस्या, जनसंख्या बच गया, और अच्छा चीज, इसने कमर तोड़ दिया। जिस दिन से बिहार दंगा लगा उसने समझ लो, और 2000 से पहले तो ठीक था कंडीशन, 2000 जब अलग हुआ तो और ऐसी की तैसी हो गई बिहार की, और खराब हो गई स्थिति। तो देखिए, तो बाढ़ और सुखाड़ यह भी क्या था, एक बोलो समस्या है, समझे बात? तो यह भी एक बहुत बड़ी समस्या, इसको लिखना खुद पेपर में, बिहार का इतिहास रहा है, किसी न साल, किसी न किसी साल बाढ़ या किसी न किसी साल सुखाड़ होना तय है, होता ही है। 21 में भी देख लेना, कुछ ना कुछ होगा ही, या तो फसल जड़ जाएगा या दहा जाएगा। चलिए बच्चों, तो चौथा चार हो गया, तो चार तो समझ में आया आपको बच्चों, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 रीजन है, 11 भी हो सकता है, तो आपको मैं सब बताऊंगा, बहुत सारे रीजन है जो बिहार पिछड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए तो देखिए अगला 5वां पॉइंट देखिए बच्चों, 5वां पॉइंट है, 4 पॉइंट को मैंने डील कर दिया, 5th पॉइंट देखिए, गरीबी, पॉवर्टी, गरीबी, गरीबी की बात की दोस्तों, ध्यान दीजिए, बिहार में गरीबी चरम सीमा पर है। यहाँ के लोगों को अब तो स्थिति का थोड़ा सुधार हुआ, इससे पहले आप देखेंगे ना, लोग दया आ जाएगा, आंख से आंसू आ जाएंगे आपको, इतनी ज्यादा, इतने ज्यादा गरीबी था, लोग एक टाइम खाते थे, दूसरे टाइम सोचते थे क्या खाएंगे। आप पूछिएगा अपने पापा मम्मी से कि क्या स्थिति था गरीबों का, बहुत गरीबी। अब आजकल तो हालांकि सरकार थोड़ी फसल दे रही है, अनाज दे रहा है, तो जिससे लोगों को थोड़ा सहूलत होता है, खाने पीने को लाले नहीं पड़ते हैं, पहले लोगों को खाने पीने को भी लोग तरसते थे। तो गरीबी यहाँ पर अभी भी है, बिहार अभी भी एक गरीब राज्य है, हालांकि बिहार से भी गरीब राज्य है ओडिशा, ओडिशा बिहार से भी गरीब राज्य है, बहुत गरीब है ओडिशा। ठीक है, तो ओडिशा एक गरीब राज्य है दोस्तों, बिहार से भी गरीब राज्य है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, गरीबी यहाँ का जो, ध्यान दीजिए, यहाँ का प्रति व्यक्ति आय आज भी कम है, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम यहाँ पर आज भी कम है। ठीक है, जानते ना पर कैपिटा इनकम क्या होता है, कोई बता पाएगा? पर कैपिटा, पीसीआई, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, ध्यान दीजिए, कुल आय बटे देश की टोटल जनसंख्या, टोटल इनकम अपॉन बट्टा देश की कुल जनसंख्या। हमारा पिताजी, आप सभी का पिताजी, मम्मी, जो भी कमाते हैं, दादाजी जो भी कमाते हैं, उन सबको जोड़ दो,
तो टोटल इनकम बट्टे 140 करोड़ देश की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है कुल आय बट्टे देश की कुल जनसंख्या, देश की कुल बोलो ना जनसंख्या, ठीक है। ध्यान दीजिए, कुल आय टोटल इनकम बट्टा देश की कुल जनसंख्या। मैं एक एग्जांपल समझा देता हूं, ध्यान दीजिए दोस्तों, एक एग्जांपल फिर मैं समझाता हूं। देखो मान लो कोई देश में 10 रुपया कुल इनकम है, आप 5 लोग हैं तो कुल आय कितना होगा 2 रुपया। 10 टोटल इनकम है, 5 जनों मिलकर के 10 रुपया कमाते हैं और 5 लोग हैं तो 5 दुना 10, तो 2 रुपया प्रति व्यक्ति हो गया दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, पार्ट सेकेंड में, ठीक है दोस्तों। तब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।